सीताराम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम, जय वाली सरकार। तो इस समय दोस्तों मैं हूँ बागेश्वर धाम में। और दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 30 अक्टूबर, दिन बुधवार का है। तो चलिए दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा। आप लोगों को समस्त जानकारी मैं देने वाला हूँ कि धाम पर पूज्य सरकार नवंबर के महीने में कब उपस्थित रहने वाले हैं, क्योंकि पैदल यात्रा भी है और भी जो आगामी कथा की जानकारी है आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं जहाँ पर पूज्य गुरुदेव भगवान दरबार लगाते ही ये वही स्थान है। तो चलिए दोस्तों आज की इस प्यारी वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं बागेश्वर धाम मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने से। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं सामने मुग्धा रखा हुआ है, काफी सारे जो भक्त हैं यहाँ पर परिक्रमा लगा रहे हैं। और इस साइड देखिए ये छोटा वाला परिक्रमा मार्ग फिलहाल बंद कर दिया गया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अभी देखिए ये क्या बोलते हैं साफ सफाई भी काफी अच्छे तरीके से हो चुकी है, क्योंकि दीपावली का भी समय चल रहा है। तो आप लोगों को एडवांस में दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, आप लोगों को बागेश्वर धाम के प्रत्येक स्थान और साथ में जानकारी भी हम देने वाले हैं, क्योंकि ये सामने आप जो देख पा रहे हैं ये बागेश्वर धाम की यज्ञ स्थली है। तो बागेश्वर धाम में जो भी हवन वगैरह होते हैं यहीं पर होते हैं दोस्तों, आप लोग देखिए। बाकी आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं ये छोटा वाला परिक्रमा मार्ग से लगा हुआ है, यहाँ पर जस्ट आप लोग ये पूरा देख सकते हैं कितना अच्छा साफ सफाई यहाँ पर हुआ है बागेश्वर धाम में। और ऐसे ही स्वच्छता दोस्तों बनाए रखना हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि धाम पर जो भी भक्त श्रद्धालु लोग आते हैं तो उनको भी बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मंदिर प्रांगण का जो आसपास का क्षेत्र है, में से मंदिर का जो है आसपास के क्षेत्र में सफाई तो हमेशा बनी ही रहती है, पर पूज्य गुरुदेव जी संकल्प लिए हैं कि प्रत्येक रविवार को साफ सफाई महाअभियान भी चलाया जाएगा, ताकि जो भी कचरा वगैरह रहता है में से साफ सफाई तो होती रहती है बागेश्वर धाम में सुबह शाम। बाकी आप लोगों को पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। बहुत सारे भक्तों के मन में ये थोड़ा क्लियर करना है कि पूज्य गुरुदेव भगवान नवंबर के महीने में पूरे दिन धाम पर नहीं रुकने वाले हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे भक्तों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई पूज्य गुरुदेव जी नवंबर के महीने क्या धाम पर ही उपस्थित हैं। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि अभी पूज्य गुरुदेव जी नवंबर की 5 तारीख तक धाम पर हैं, उसके बाद 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक भीलवाड़ा राजस्थान में रहेंगे, है ना। उसके बाद फिर 11 तारीख से पूज्य गुरुदेव जी 20 तारीख तक धाम पर ही उपस्थित रहेंगे, और फिर पैदल यात्रा है 21 तारीख से लेकर 29 तारीख तक। तो आप लोगों को मैं बिल्कुल क्लियर कर दिया हूँ और आप लोगों को बतला दिया हूँ, यही शेड्यूल है। जो भी भक्त लोग बागेश्वर धाम आना चाहते हैं, पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं, तो वो अभी आ सकते हैं दीपावली के बाद, है ना, क्योंकि अभी सामने त्यौहार भी है, हमारे इंडिया का बहुत बड़ा त्यौहार है दीपावली। और बहुत सारे आप लोगों के जीवन में खुशियाँ आए, मैं यही विनती करता हूँ बागेश्वर वाले जी सरकार से। और ये देखिए दोस्तों थोड़ा अलग तरीके से मैं आप लोगों को ये दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पीपल के वृक्ष के नीचे यहाँ पर जो बेल पत्र है और भी जो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, आप लोग देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए गौ माता यहाँ पे खड़ी हुई है पास में ही। तो ये पीपल का वृक्ष है दोस्तों, आप लोगों को जस्ट खोया पाया केंद्र और नए वाले मां अन्नपूर्णा भंडार स्थल के सामने ही दिखाई दे देगा। जब भी आप बागेश्वर धाम में आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर पूजा करने के लिए आप लोग अवश्य आइएगा और वीडियो पे बने रहिएगा। ऐसी बात नहीं है, आप लोगों को प्रत्येक स्थान दिखलाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोग जैसा कि पहली बार बागेश्वर धाम आए तो हमारी वीडियो के मदद से आप लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में आप लोगों को काफ़ी कुछ मदद मिलेगी। तो ये देखिए यहाँ से हम थोड़ा बाहर निकलते हैं और काफ़ी बड़ा ये प्रांगण है, यहाँ पर आप बैठकर सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं। और खोया पाया केंद्र सामने है जस्ट देखिए, और इधर पर फूलमाला वगैरह देखिए, ये भाई साहब भी यहाँ पर बैठ के, मतलब यहाँ पर काफ़ी कुछ स्पेस है ताकि आप लोग बैठ के पूजा पाठ कर सकेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, और इधर से चलिए अब हम आगे चलते हैं, और ये पुराना वाला श्री राम दरबार के जस्ट पीछे वाला भाग है, कार्यालय क्रमांक 1। तो जो भी जानकारी लेनी है दोस्तों आप लोगों को कार्यालय क्रमांक 1 से लेनी है, और शनिवार और महा क्या बोलते हैं शनिवार और मंगलवार के दिन महाप्रसाद ही आप लोगों को कार्यालय क्रमांक 1 के पास में काउंटर बना हुआ है, वहीं से प्राप्त होगा। सिद्ध अभिमंत्रित भभूति भी वहाँ से, मैं से पुराने वाले श्री राम दरबार से तो दोस्तों मिलती ही है,
टाइम निश्चित है सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, दोपहर में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, और शाम की जो संध्याकालीन महाआरती होती है 7 बजे के बाद आप लोगों को सिद्ध अभिमंत्रित पुराने वाले राम दरबार से मिलेगी। तो आप लोग आइए, आप लोगों ने गाना भी सुना होगा कि बाबा जी की भभूति कमाल कर गई, तो बहुत ही चमत्कारी भभूति रहती है बागेश्वर धाम में। पूज्य गुरुदेव जी अपने हाथों से भी वितरण करते हैं। अब दरबार का ऐसा है दोस्तों कि पूज्य गुरुदेव जी तो क्या है, भक्त बैठे रहते हैं तो सामूहिक अर्जी लगाने और दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं, तो उसी बीच में अगर पूज्य गुरुदेव जी का मन हो जाता है तो दरबार लगा देते हैं। तो आप लोग भी आ सकते हैं अभी, आप क्या बोलते हैं, हम आपका मन जब भी हो आप आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी देखिए बड़ा वाला परिक्रमा मार्ग का नजारा है, तो बड़े वाले परिक्रमा मार्ग का दृश्य आप लोग देख पा रहे हैं। काफी सारे जो भक्त हैं बागेश्वर धाम में आते हैं वो सर्वप्रथम पहली तो परिक्रमा लगाना उचित समझते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसा कि जो भी नियम है बागेश्वर धाम में, आप आए 21 परिक्रमा लगाएं, बालाजी के दर्शन करें, अगर आप पहली बार आते हैं तो अर्जी अवश्य बांधें। तो अर्जी दोस्तों नरियल के माध्यम से बांधी जाती है, रेड कलर के कपड़े में, काले कलर के कपड़े में और पीले काले कलर के कपड़े में। जिनको भी प्रेत बाधा से संबंधित कोई समस्या है, सालों से अगर परेशान है, तो वो एक बार बागेश्वर धाम में आइए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान शनिवार के दिन त्रितराज सरकार का दरबार लगाती हैं। तो अभी देखिए दोस्तों, अब आगामी जो डेट है क्या बोल सकते हैं हम, 2 या 3 तारीख को शनिवार का दिन पड़ रहा है, हो सकता है पूज्य गुरुदेव जी उस बीच में दरबार लगा सकते हैं। जिनको भी प्रेत बाधा से संबंधित यानी कि दिक्कत है और प्रेतराज सरकार का भी पेड़ है, उसको भी छूने मात्र से दोस्तों एक अलग ही अनुभूति होती है। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं और सब अपने अपने तरीके से दोस्तों यहाँ पर भक्ति करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई दरबार में बैठने के लिए आता है, कोई पर्चे के चक्कर में आता है, कोई बालाजी के दर्शन करके घर चला जाता है। तो हर एक चीज का तो क्या है, एक अलग ही महत्व है। तो आप लोग भी बागेश्वर धाम आ सकते हैं। बागेश्वर धाम का दोस्तों एड्रेस नहीं मालूम तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में स्थित है। तो नियर बाय 2 रेलवे स्टेशन है, पहला तो खजुराहो रेलवे स्टेशन और दूसरा है छतरपुर रेलवे स्टेशन। तो आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों किस साइड से आना हो रहा है, लगभग सेम दूरी है दोनों स्टेशनों से, 30 से 40 किलोमीटर की, 50 रुपये आप लोगों को किराया लग जाएगा। और हो सकता है छतरपुर का शायद इस अभी थोड़ा कंफर्म नहीं है, फिर भी 50-60 रुपये पहले लगता था, इतना ही लगता ही होगा। और बाकी ये देखिए कि हम यहाँ से अब बाहर की तरफ थोड़ा आप लोगों को इधर का दृश्य दिखला रहे हैं। देखिए कितने गदा वगैरह आध्यात्मिक जो भी सामग्री है आप लोगों को यहाँ की लोकल के मार्केट से मिल जाएगी। काफ़ी बड़ा एरिया में यहाँ पर जो है मार्केट बना हुआ है। और देखिए हम यहाँ से सीधे चल रहे हैं और आप लोगों को बागेश्वर बालाजी के दर्शन भी इस वीडियो में कराने वाले हैं, तो बस आप दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए जहाँ से निकासी मार्ग है यहाँ से ही एक रेलिंग लगा दी गई है, ताकि इधर से एक साइड से बालाजी के दर्शन करने के लिए भक्त जाएँ और दूसरी तरफ से निकल जाएँ। तो ये देखिए मंदिर प्रांगण के पास में मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर बड़े बड़े जो पिलर हैं तैयार हो चुके हैं। काफ़ी सारे भक्त यहाँ पर बैठकर स्तुति वगैरह कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं। काफ़ी मतलब बड़े रूप से तैयार हो रहा है बागेश्वर धाम मंदिर। और यहाँ पर क्या कैसी कला की जो डिजाइन वगैरह है आप लोगों को आगे इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप लोग देखिएगा कि मंदिर प्रांगण में किस प्रकार का डिजाइन यहाँ पर लगाया जाएगा। यहाँ पर कारीगर आए हैं, आप लोगों को दिखलाते हैं कि किस प्रकार की कला यहाँ पर निखारी जा रही है। आप लोगों को दिखलाते हैं संगमरमर के पत्थर पे। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये देखिए भाई साहब, इतने सारे दीपक यहाँ पे दीपावली के उत्साह में देखिए यहाँ पे ये भाई साहब ने शायद मेरे को लग रहा है इन्होंने ही लगाए हैं। और ये देखिए इधर से थोड़ा ये हर एक क्षेत्र में मतलब यहाँ पर भक्त बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और भक्त यहाँ से क्योंकि चारों तरफ से क्या है एंट्री चालू हो चुकी है, यहाँ से पहले तो काफ़ी कुछ कंजेस्ट एरिया था, तो उस वजह से थोड़ा भक्तों को भी प्रॉब्लम होती थी। वही सब कुछ देखते हुए पूज्य सरकार मंदिर का जो है निर्माण काफ़ी समय से करवा चुके हैं और करीब 3 से 4 मंथ हो चुके हैं। और देखिए ये देखिए कुछ इस प्रकार की कला यहाँ पर उभारी जा रही है। ये पत्थर आप लोग देख पा रहे हैं और देखने में दोस्तों बहुत ही औसम और सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए आगामी जब पूरा समय में आप देख सकते हैं कि 1 साल लग रहा है कि 6 महीने लग रहा है,
पर मंदिर यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छा कुछ अट्रैक्टिव बनने वाला है। मतलब कला आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मार्बल वगैरह आ चुके हैं और बड़े रूप से तैयार हो रहा है। तो आप लोगों को दोस्तों मैं इधर का पूरा दृश्य दिखलाने के बाद यहाँ से बाहर निकल चुका हूँ बड़े वाले परिक्रमा मार्ग में। तो आप लोग भी आइए दोस्तों, और शेड्यूल तो मैं आप लोगों को बतला ही दिया हूँ। वैसे तो दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 30 अक्टूबर, कल दीपावली है। आप लोग अपने परिवार के साथ दीपावली बहुत ही धूमधाम से मनाएं और आप लोगों के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ, मैं तो यही चाहता हूँ, और बहुत सारी शुभकामनाएं। चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आगामी समय में जो भी जानकारी है ना, पूज्य गुरुदेव जी धाम पर कब रुकने वाले हैं, आगामी कथा कहाँ पे होने वाली है, आगामी जो कथा है उसका रजिस्ट्रेशन, तो देखिए रजिस्ट्रेशन तो पैदल यात्रा का भी चल रहा है कार्यालय क्रमांक 5 से। जो भी जानकारी लेनी है आप लोगों को कार्यालय से ही लेनी है। बागेश्वर धाम में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को अगर उन कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेना रहता है तो आप लोग सीधे उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है। पूज्य गुरुदेव जी समय समय में भक्तों को गुरु दीक्षा भी देते हैं, तो हर एक चीज़ की जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, CMRDS है, और हम बागेश्वर धाम की वीडियो डालते हैं, बागेश्वर धाम में ही रहते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव जी का पूरा शेड्यूल आप लोगों को बतला दिए हैं नवंबर महीने का, और दिसंबर महीने का शेड्यूल दोस्तों आप देखिए, पूज्य सरकार पैदल यात्रा के बाद कहीं कथा करने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं वो बाद में पता चलेगा। तो फिलहाल जो भी अपडेट है आप लोगों को हम बतला दिए हैं। अभी धाम पर पूज्य सरकार उपस्थित हैं, भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, और दीपावली भी धाम पर ही पूज्य सरकार मनाएंगे। अगर आप लोगों को भी पूज्य सरकार के साथ दीपावली मनाना है तो आप बागेश्वर धाम आ सकते हैं। बाकी दोस्तों 6 तारीख से लेके 10 तारीख तक नवंबर के महीने में पूज्य सरकार धाम पर नहीं मिलेंगे। श्रीमंत क्या बोलते हैं, श्री हनुमंत कथा है, हाँ, भीलवाड़ा राजस्थान में हनुमंत कथा है। एक दिवसीय दिव्य दरबार भी लगेगा वहाँ पे। अब देखते हैं कि कौन सी डेट में लग रहा है, 8 तारीख को लग रहा है कि 7 तारीख को लग रहा है, पर ये तो कंफर्म है कि जहाँ पर भी पूज्य सरकार जाते हैं तो एक दिवसीय दिव्य दरबार लगाते हैं, तो भीलवाड़ा राजस्थान में भी लगेगा। आसपास के क्षेत्र के निवासी हैं आप लोग राजस्थान के, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है कि आपके क्षेत्र में पूज्य सरकार का आगमन हो रहा है। आप लोग तैयारी करें मस्त बढ़िया, है ना। और धाम पर आप लोगों को अगर कुछ जानकारी भी चाहिए, देखिए रुकने की मैं बात करूं तो दोस्तों बागेश्वर धाम में ऐसे बहुत सारे होम स्टे ढाबा हैं, आप लोग रुक सकते हैं, और ज़्यादा कुछ रेट नहीं है दोस्तों। 100 रुपये में आप लोगों को गद्दा मिल जाएगा, रूम लेना है तो 400 से 500 रुपये के रूम में बीच में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को एसी वाला रूम चाहिए तो एसी वाला मिल जाएगा। बहुत सारी ऐसी होटलें हैं बागेश्वर धाम में, जैसे कि होटल मानसरोवर है जहां पर पूज्य गुरुदेव जी दरबार लगाते हैं, और बांके बिहारी होटल है। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को कम्फर्ट रेट, मतलब ज़्यादा नहीं, लेटरिंग बाथरूम अगर आप लोगों को अटैच सब कुछ वो चाहिए तो आप लोगों को 1000-1200 रुपये में अच्छे से अच्छा रूम मिल जाएगा इन दोनों होटलों की बात मैं करूँ। बाकी तो बहुत सारे ऐसे होम स्टे हैं ढाबे, तो 400 से 500 रुपये के बीच में आप लोगों को आसानी से, बिल्कुल आप लोगों को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप लोग बागेश्वर धाम में आइए और निश्चिंत आप लोग दर्शन कीजिए बालाजी के, और सब बालाजी के ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए लाखों भक्तों की बिगड़ी बनाते हैं बागेश्वर बालाजी सरकार, आप लोगों की भी अवश्य बनवाएंगे। अर्जी अवश्य बांधिए बागेश्वर धाम में आके, और दरबार अगर पूज्य सरकार लगाते हैं इस बीच में, अगर पूज्य सरकार धाम पे रहते हैं और आप दर्शन करने के लिए आते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों का पर्चा बन जाए, आप लोग काफ़ी समय से कई भक्तों की परेशानी रहती है तो उसका निवारण पूज्य गुरुदेव जी बतलाते हैं। आप देखते हैं कि पुरानी पेशी का दरबार पूज्य सरकार कब लगाती है। जिन भी भक्तों का पर्चा बना रहता है उसको पुरानी पेशी का दरबार कहते हैं, नए पर्चे का दरबार उसी को कहते हैं बिना टोकन का दरबार। पहले टोकन डाला करता था, नाम पता डालते थे, अब वो सिस्टम बंद कर दिया गया है। पूज्य गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब हम दरबार लगाएंगे धाम पर रहेंगे तो 3 घंटे का महादीप दरबार लगाएंगे, हमारे लिए सभी बराबर हैं, और यहीं पर दोस्तों पूज्य गुरुदेव जी बैठकर भक्तों को दर्शन देते हैं और आशीर्वचन सामूहिक अर्जी यहीं से लगाते हैं। दरबार वगैरह ये देखिए, मैं बात कर रहा था होटल मानसरोवर की, तो सामने आप लोग देख पा रहे हैं ये होटल मानसरोवर है और दरबार यहीं पर लगता है। काफ़ी सारे भक्त यहाँ पर बैठकर देखिए पूज्य गुरुदेव जी का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी ही जानकारी आप लोगों को मैं देता रहूँगा आगामी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल रख लीजिए, है ना। बाकी आप लोगों को पूरा ये जो है दृश्य दिखला दिया हूँ, और 5 तारीख तक धाम पर ही पूज्य सरकार हैं, 6 तारीख से धाम पर नहीं मिलेंगे।
और 11 तारीख के बाद धाम पर मिलेंगे पूज्य सरकार, फिर 20 तारीख तक धाम पर ही रहेंगे। तो आप लोग आइए दोस्तों, और पूज्य गुरुदेव जी के साथ पैदल यात्रा में चलना है तो आप लोग भी चल सकते हैं। 21 तारीख से लेके 29 तारीख तक उसका भी रजिस्ट्रेशन है, आप लोग करवा लीजिए, अभी टाइम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।